स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में चौथे जनरेशन लीप के साथ ही कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा भरपूर देखने को मिल रहा है। वहीं अब आने वाले ट्रैक में भी एक पुराना अतीत खुलने से कहानी में अलग ही ट्विस्ट आने वाला है। ये अतीत जुड़ा होगा अरमान की माँ विद्या से, जिसके सामने आने से कहानी ड्रामेटिक तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये राज तब बवाल मचाएगा जब पोद्दार परिवार में होगी अबीरा की एंट्री बहू बनकर। दरअसल शो में अरमान की माँ विद्या के अतीत से जुड़ी बातें सामने आएंगी, जहाँ ये पता चलेगा कि अतीत में विद्या को माँ बनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विद्या माँ का सुख लेना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और उस दौरान वो और उसका पति ये फैसला करते हैं कि वो एक बच्चे को गोद लेंगे, और उसी दरमियान उनकी मुलाकात होती है नन्हे अरमान से। यानी कि अरमान विद्या की असली औलाद है ही नहीं, वो गोद लिया हुआ बच्चा है। हालांकि वो अरमान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, अपनी असली औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है। अरमान की उसकी लाइफ में आने के बाद ही विद्या गर्भवती होती है और रोहित को जन्म देती है। हालांकि वो फिर भी रोहित और अरमान में कोई फर्क नहीं करती और अरमान को हमेशा अपनी प्रायोरिटी समझती है। आने वाले ट्रैक में पता चलेगा कि अरमान इस रास से अनजान है कि पोद्दार परिवार उसका असली परिवार है ही नहीं, बल्कि वो तो उनके रहमो करम पर पली हुई संतान है। खबरें हैं कि अबीरा के पोद्दार परिवार में एंट्री के बाद ट्रैक में उथल पुथल देखने को मिलेगा, क्योंकि अबीरा अरमान के हक के लिए लड़ती नजर आएगी। वो अरमान को घर का बेटा होने के लिए उसका वाजिब हक दिलाती नजर आएगी। बल्कि ये देखना दिलचस्प होगा कि शो में आगे क्या कुछ होता है। क्या विद्या का सालों पुराना ये राज अरमान के सामने आ पाएगा, और क्या होगा जब अरमान को पता चलेगा कि जिस परिवार को वो अपना मानता है, जिसके लिए वो मर मिटने को तैयार है, वो उसका असली परिवार ही नहीं है। साफ है कि मेकर्स ने शो में भर भर के ड्रामा प्लान किया है, ट्विस्ट प्लान किए हैं, जिससे शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में।